अक्षय कांति बम के उम्मीदवारी वापस लेने से कांग्रेस में बड़ा विस्फोट हो गया। नाराज कांग्रेसियों ने प्रदेश अध्यक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। इंदौर के घटनाक्रम ने न सिर्फ इंदौर बल्कि पूरे देश का ध्यान खींचा। इसके बाद से बीजेपी प्रत्याशी शंकर लालवानी के सामने कांग्रेस का कोई उम्मीदवार ही नहीं बचा। इसके बाद से ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूटने लगा है। इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष देवेंद्र ने भी अपनी नाराजगी जाहिर कर दी। मैं शुरू से बोल रहा था कि नाम वापस ले लेगा और मैंने टिकट ताकत से मांगा था कि इससे अच्छा चुनाव लड़ूंगा, मगर पैसे को देखते हुए हमारे कांग्रेस के नेताओं ने टिकट दिया। क्यों दिया उसको? क्या योगदान था उसका कांग्रेस के लिए? क्या योगदान था? कौन सा उसने संघर्ष करा कांग्रेस के लिए जो आपने उठा के उसको टिकट दे दिया? क्यों दिया? ये पार्टी हाईकमान को देखना चाहिए। आप हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को मार रही है कांग्रेस। हमने जब टिकट मांगा दमदारी से मांगा, हम लड़ेंगे चुनाव, और आज भी हम यहाँ अकेले खड़े हैं दमदारी से, मगर वो निकल गया, हम बताते फिर उसको। कई अन्य कांग्रेस नेताओं का कहना है कि हमें पहले से ही पता था कि अक्षय बम अपना नाम वापस ले लेंगे। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी ने भी इंदौर कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय बम पर प्रतिक्रिया जाहिर की है। श्री शंकर ललवानी एक बहुत ही कमजोर प्रत्याशी के रूप में उभर कर सामने आए थे, जिससे घबरा के भाजपा ने 4 दिन पूर्व कांग्रेस के प्रत्याशी के ऊपर 307 का आपराधिक प्रकरण दर्ज किया। निरंतर उन पर दबाव बनाया जा रहा था और आज सुबह उनको अपहरण करके जिस तरीके से ले जाया गया, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है और नामांकन वापस ले लिया गया है। जनता सब देख रही है और जनता की अदालत में निश्चित ही कांग्रेस को न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है और हम मजबूती के साथ में चुनाव के मैदान में है और हमें लगता है कि भाजपा के जितने भी दुष्कृत्य हैं इन सभी को जनता जवाब देगी और आगामी समय में मध्यप्रदेश और देश में परिवर्तन निश्चित। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के करीबी रहे अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन क्यों वापस लिया, इस पर भी तरह तरह के कयासों का बाजार गर्म हो चला है। क्या उनकी कोई मजबूरी थी या फिर किसी राजनीतिक प्रेशर में आकर उन्होंने ये कदम उठाया? लेकिन भैया, ऑपरेशन लोटस और कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेसियों पर गाज जरूर गिरा दी है।